आज 20 तारीख है और आज शाम की कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, जो मोदी जी ने हैं उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए हैं राम मंदिर से रिलेटेड। उन्होंने कहा है कि टोटल 40 महीने के अंदर मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और जो भी चांदी का अगर पत्ते जैसे दान करते हैं तो वो अपने फैमिली या मेम्बर्स का नेम वगैरह लिखवा सकते हैं। और राम मंदिर बनने की एक और खासियत ये है कि मतलब वो खास बात यह है कि वहाँ पर कोई भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसे पूरे पुराने तरीके से बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से। यहाँ पे चौंका देने वाला हादसा हुआ है जहाँ पे 3 मजदूर या फिर आप बोल सकते हो 3 जो नॉर्मल पीपल्स रहते हैं उनको उनकी मौत हो गई है। मतलब वो जैसे ही कुएं में गए उनकी मौत हो गई और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि वो कुएं में उतरे किस लिए थे। वो मेंढक और चूहे को बाहर निकालने के लिए कुएं में कूदे थे और वहाँ से अचानक से कहीं से जहरीली गैस आती है और उनके प्राण ले जाती है। बढ़ती है अगले खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी की तरफ से। तो यूपी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। अब जैसे जैसे खेतों की जगह होती है तो अब जैसे ट्रांसजेंडर है वहाँ पे वो अब खेती भी कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने भारत में पहली बार ऐसा मतलब उनको अप्रूवल दिया है और उनको एक ये राइट दिया है। तो ये भी एक अच्छी खबर निकल के आ रही है यूपी की तरफ से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब ये दुखी समाचार निकल के आ रहा है जहाँ पे कई लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ पे वो एक ऐसा देश है जहाँ पे बार बार ब्लास्ट होता रहता है और वहाँ के लोग कितना भी शांति प्रिय चाहने की कोशिश करें पर उन्हें शांति नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट, राष्ट्रपति, मंत्री कितनी भी ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पर शांति बनी रहे लेकिन कोई भी वहाँ ना कोई आए दिन धमाके होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। और उस आपने देश का नाम सही सुन लिया रहेगा या फिर गेस कर लिया रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड। और अफगानिस्तान में वापस से एक बम धमाका हुआ है आज और ये बहुत बड़ी दुखी समाचार निकल के आ रही है अफगानिस्तान की तरफ से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है मोटा भाई से रिलेटेड। जो रिलायंस इंडस्ट्री है अब वहाँ पे मतलब जो रिलायंस इंडस्ट्री आपको जैसे पता रहेगा वो अंबानी जी काफ़ी सारी चीज़ें अभी एक्वायर कर रहे हैं। जैसे उन्होंने रिसेंटली नेटमेट्स किया और अभी जो टिकटॉक है वो बैन हो चुका है। तो अब टिकटॉक की कंपनी क्या सोच रही है कि काफ़ी नुकसान झेल चुके हैं वो भारत की ओर से। जैसे हमारे मोदी जी ने मतलब बैन लगाया टिकटॉक पे, तो अगर वो किसी इंडियन बिजनेसमैन को अपना जो भारत का कारोबार है वो अगर सेल कर देते हैं या उसमें शेयर होल्डर बना लेते हैं तो वो आधे से ज़्यादा भारतीय कंपनी हो जाएगी और फिर गवर्नमेंट उसे बैन नहीं कर पाएगी। तो इससे रिलेटेड मुकेश अंबानी जी की बात चल रही है बट अभी तक ये पब्लिकली नहीं आई है। बढ़ती हैं अगले खबर की ओर। एक बहुत बड़ा अजीबो सा मतलब आप बोल सकते हो खुलासा हुआ है। रेलवे ने पहले किया 0 मौत का दावा। नीति आयोग ने सवाल उठाए तो कहा 3 साल में हुई 30,000 मौतें। जी हाँ, मतलब क्या होता है जैसे संगठन बैठाई जाती है, बातचीत होती है, मीटिंग्स बैठाई जाती है तो पहले रेलवे के अधिकारियों जो बड़े बड़े मंत्री रहते हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई 3 साल में एक भी मौतें नहीं हुई। और जब नीति आयोग मतलब जब उन्होंने सवाल उठाए कि भाई उन्होंने चिट्ठा खोला तो वो बोले कि 3 साल के अंदर 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है हमारे भारतीय रेलवे के द्वारा। तो ये बहुत चौंका देने वाली खबर है और आप भी अगर क्रॉस करते रेलवे फाटक वगैरह तो काफ़ी ध्यान से कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है रशिया की तरफ से। जो रशिया मतलब जो हमारे पुतिन राष्ट्रपति हैं रशिया के, उनके जो विरोधी जैसे अपोजिशन नेता जो थे उनके चाय में जहर मिला दिया गया था और वो एडमिट किए गए थे हॉस्पिटल में। तो वापस से उनके ऊपर ट्राई हुआ था, तब भी पुतिन के ऊपर आरोप लगाया गया था और इस बार भी पुतिन जी के ऊपर आरोप लगाया गया है। तो आज जैसा आप लोगों को पता है मोदी जी ने जो सबसे स्वच्छ शहर रहते हैं उनकी गिनती में मतलब कौन टॉप में है कौन नहीं वो सब उनका आज सर्वे का सबका लिस्ट जारी किया था। और 10 सबसे साफ शहरों में गुजरात के 4 शहर हैं। भोपाल 7वें नंबर पे है, बनारस बेस्ट गंगा टाउन घोषित किया गया है और इंदौर लगातार 4थे साल भी सबसे साफ सुथरा मतलब नगर बना रहा है। तो ये थे कुछ आज की बहुत बड़ी खबरें। अब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली न्यूज़।